शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मेरे देखने वाले, मेरे सुनने वाले जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो नेक तमन्नाओं और नेक दुआओं के साथ आपको प्यार भरा सलाम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके सामने हाजिर हुई हूँ ये लेकर कि ये मटन का मैं बनाने जा रही हूँ, मटन का सालन। उसके लिए तकरीबन मैंने यहाँ 250 ग्राम के करीब मटन ली है। दो जो थी मैंने अनियन जो थी वो दो छील कर उसको पीस लिया है। हाफ़ कप दही लिया है, वन टेबल स्पून जो है यहाँ मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। और ये देखें यहाँ मैंने लिया है, इसके लिए मैं मसाले इस्तेमाल कर रही हूँ, हाफ़ टेबल स्पून जो है वो नमक है, यहाँ हाफ़ टेबल स्पून जो है वो पिसा हुआ धनिया है, हाफ़ टेबल स्पून जो है वो पिसी हुई मिर्च है, और हाफ़ टेबल स्पून हल्दी है। यहाँ मैंने 8 से 10 दाने जो हैं ये काली मिर्चों के ले लिए हैं, और ये लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है मैंने 1 टेबल स्पून, और ये पिसी हुई काली मिर्च ली है। तो आइए अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। 2 चम्मचों के करीब उसमें मैं ये काली मिर्चें जो मैंने 8 से 10 अदद ली हैं ये शामिल कर दूँगी। काली मिर्च शामिल करने के बाद यहाँ मैं ये गोश्त शामिल कर दूँगी। देखें इस गोश्त को थोड़ा सा इसमें 5 मिनट के लिए लाल कर लेते हैं, इसको भून लेते हैं ताकि इसकी थोड़ी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। पानी में थोड़ा सा लाल करने के बाद देखें इसका कलर चेंज हो रहा है। यहाँ मैं ये लहसुन अदरक है ये शामिल कर रही हूँ। ये लहसुन अदरक के पेस्ट शामिल करने के बाद इसको थोड़ा अच्छे से इसमें लहसुन अदरक के पेस्ट में इसको भून लेंगे। यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून जो है वो लहसुन अदरक लिया था, ये देखें इसको अच्छे से जो है इसमें भून लेंगे। देखिए यहाँ मैंने इसको लहसुन अदरक के पेस्ट में अच्छे से इसको भून लिया है। इसका पानी जो है वो तकरीबन खुशक होने वाला है। लहसुन अदरक के पेस्ट डाला था मैंने यहाँ। अब यहाँ ये जो मैंने प्याज है जो 2 पीसी थी ये शामिल कर रही हूँ। ये देखें इस प्याज को इसमें शामिल करने के बाद मैं यहाँ जो मसाले थे, नमक है और लहसुन पिसा हुआ धनिया है, पिसी हुई मिर्च है और हल्दी है, ये मैं इसमें शामिल कर देती हूँ। देखिए यहाँ मैंने यह मसाला जो है शामिल कर दिया था। मसाला शामिल करने के लिए इसमें मैंने जो 2 अदद प्याज पीसी हुई थी वो भी शामिल करी है। इसमें थोड़ा पानी ऐड किया है वो डालने के बाद प्याज, ताकि ये थोड़ा अच्छे से गल जाए। बराबर दही है ये भी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। खाने में ये बहुत लजीज बनता है। आप ये मेरी रेसिपी ट्राई कीजिएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर किया कीजिए। और अब इसको मैं हल्की आंच पे गलने के लिए रख रही हूँ। तो फिर जब ये गोश्त जो है ये टेंडर होगा तो फिर आपको दिखाती हूँ आगे की रेसिपी। ये हमारा तकरीबन भुनाई के करीब है ये अब हमने इसको अच्छे से भून लेना है। यहाँ पर मैंने शामिल करनी है ये काली मिर्च पिसी हुई, ये ऐड कर रही हूँ। ये देखें काली मिर्च शामिल करने के बाद इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए भूनेंगे, और फिर इसको हल्की आंच पर जो है वो पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि ये अच्छे से इसका फ्लेवर काली मिर्चों का इसके अंदर आ जाए। ये बहुत मज़े का शोरबा बनता है, बड़े बच्चे सब बहुत शौक से खाते हैं। तो ट्राई कीजिएगा मेरी ये रेसिपी।
ये देखिए इसमें ऑयल जो है वो सारा ऊपर आने लगा है। इसमें सिर्फ शुरू में भी काली मिर्चें ही शामिल की जाती हैं और बाद में भी काली मिर्चें ही ऐड की जाती हैं। यहाँ देखिए अब मैं इसको अच्छे से भून लूँगी और भूनने के बाद इसमें जो है थोड़ा सा पानी लगा के इसका शोरबा बनाएंगे। रोटी चपाती के साथ बहुत मज़े का लगता है। जी देखिए यहाँ मैं इसमें थोड़ा पानी ऐड कर रही हूँ और इसको 5 से 10 मिनट के लिए जो है इसको हल्की आंच पे पकाएंगे ताकि इसका शोरबे में इसका टेस्ट आ जाए जो हमने इसमें काली मिर्ची ऐड की थी। तो इसको 5 से 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे रखकर इसको पकाएंगे। सालन जो है ये मटन का कितना अच्छा सा बन के तैयार हो गया है। तो आप ये मेरी रेसिपी लाइक करें, शेयर करें दोस्तों रिश्तेदारों के साथ, कमेंट्स पास करें, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो हम आने वाली नई वीडियो में फिर मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।